गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आई एस वॉरियर्स तो ये है आपका क्लास शेड्यूल फॉर पी के डी बेच यानी कि पढ़ाई के दीवाने क्लास टेन का जो बैच है उसके लिए क्या क्लास शेड्यूल रहने वाला है मैं आपको किस दिन कौन सी वीडियो दूंगी लाइव क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं तो उसका ये आपका शेड्यूल है देखिए जो मैंने टेबल बनाई है यहाँ पे लिखे हुए हैं डेज़ और यहाँ पे लिखे हुए हैं वीडियोस यानी किस दिन आपको कौन सा वीडियो मिलेगा और लाइव क्लास में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है तो देखिए मंडे को आपको जो मैं वीडियोस देने वाली हूँ वो हम साइंस और मैथ की करेंगे और हिंदी इंग्लिश और सोशल स्टडी अभी मैं लाइव में आपको पढ़ाऊँगी ठीक है तो देखिए वीडियो आपको मंडे को मिलेगा किसका साइंस का और फ्राइडे को यहाँ पे टू डेज रखे गए हैं वीक में जब आपको साइंस के वीडियो दिए जाएंगे तो वो साइंस के वीडियो पे डिपेंड करता है मैं एक चैप्टर को दो पार्ट्स में कवर करवा सकती हूँ तीन पार्ट्स में या छोटा चैप्टर है तो सिंगल वीडियो में भी किसी चैप्टर को कवर कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू चैप्टर ओके साइंस के आपके वीक में दो क्लास है मंडे एंड फ्राइडे तो मंडे एंड फ्राइडे आपको क्या मिलेगा साइंस का वीडियो मिलेगा ओके इसके बाद ट्यूसडे वेनजडे थर्सडे यहाँ पे आपको थ्री डेज मैथ्स के वीडियोस मिलने वाले हैं मैथ्स की तीन क्लास इसलिए रखी गई है क्योंकि मैथ्स जो है उसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है समझाने की क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं ठीक है तो इसलिए हमने मैथ्स की तीन क्लास रखी है और जो आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आपको तो एक दिन में एक ही क्लास लेनी है तो आपको जितना पढ़ाया जाए जिससे आप वो चीज़ समझ सकें और ख़ुद से प्रैक्टिस भी कर सकें तो ये हो गई आपकी साइंस और मैथ की जो आपको वीडियो मिलेंगी सैटरडे को हमें कौन सी वीडियो मिलेगी सैटरडे को हमें स्पेशल वीडियो मिलेगी स्पेशल वीडियो मतलब कुछ ऐसा जो दिन पढ़ाई हो स्टडी के अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिसकी आपको ज़रूरत है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए पर नहीं पता है तो ऐसे टॉपिक पे जो वीडियो है वो सैटरडे को मिलेगी ठीक है जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में कुछ पढ़ाई से अलावा पढ़ाई के अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे पीकेडी बैच को सब कुछ पता हो और उनका जो विकास है वो कहते हैं ना चौतरफा विकास हर तरीके से वो अपडेट रहे तो सैटरडे को आपको स्पेशल वीडियो मिलेगी तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से भी आपको टॉपिक्स पे वीडियो दूंगी और अगर आप मुझे कुछ इनपुट्स आइडियाज़ देंगे कि इस टॉपिक पे हमें चाहिए तो वो भी हो सकता है कि स्पेशल वीडियो में कवर किया जाए संडे को आपको यहाँ पे ब्लैंक रखा गया है संडे को आपको वीडियो नहीं नहीं दी जाएगी लाइव क्लास की बात करें तो लाइव क्लास में देखिए मंडे को हम करने वाले हिंदी हिंदी कैसे करेंगे जो भी आपकी बुक है चैप्टर है ठीक है पोयम है हिंदी की कविता है उसे मैं लाइव में पढ़ाऊंगी हिंदी जो चैप्टर की जो कविताएं हैं वो थोड़ी टफ है टेंथ में तो वो आपको खुद से समझ में नहीं आएंगी वो पढ़ाऊंगी चैप्टर की समरी ठीक है स्टोरी जिससे जब हम पढ़ते हैं डिस्कस करते हैं ना क्लास में तो वो हमेशा हमें याद रहता है खुद से रीड करते हैं तो भूल जाते हैं इसी तरीके से आपका जो ट्यूसडे वेनजे दो दिन इंग्लिश के लिए रखा गया है क्योंकि इंग्लिश की आपकी दो बुक्स हैं द फर्स्ट फ्लाइट और एक सेकेंड बुक है तो उसी दोनों बुकों को हम एक एक करके कवर करेंगे जो चैप्टर्स आपके आएंगे और उनके जो पोएम्स है तो किसी क्लास में हम पोयम करेंगे किसी क्लास में स्टोरी करेंगे ठीक है और अदर टॉपिक्स को भी तो इसको भी हम लाइव में पढ़ेंगे लाइव में इंग्लिश हिंदी और सोशल स्टडी को रखा है और इसके बाद फिर थर्सडे को हिंदी तो यहाँ पे मंडे और थर्सडे आपको हिंदी दी गई है ट्यूसडे वेनसडे इंग्लिश दी गई है फ्राइडे सैटरडे हम क्या करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ करने वाले हैं सोशल स्टडी भी मैंने लाइव में इसलिए रखा है कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों दोनों ही बैच के जो बच्चे हैं वो समझ सकें क्योंकि मैं उस वक्त दोनों टर्म्स दोनों वर्ड्स यूज करूँगी तो यहाँ से हम क्या कवर कर लेंगे फ्राइडे सैटरडे में सोशल स्टडी इसके बाद मैम संडे को क्या करने वाले हैं तो संडे को हम लाइव क्लास में क्या करने वाले हैं संडे को यहाँ पे लाइव क्लास में होगा आपका रिवीजन इस वाले बॉक्स को आप देखिए संडे को हम लाइव क्लास में करने वाले हैं रिवीजन या टेस्ट मतलब संडे को आपको वीडियो तो नहीं दिया जाएगा लेकिन लाइव क्लास होगा और लाइव क्लास में हम करेंगे मैं आपका टेस्ट लूँगी जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसी चीज़ का ठीक है जो भी आपने इंग्लिश में पढ़ा है साइंस में पढ़ा है जो भी आपने पूरे वीक पढ़ा है उसी चीज़ का क्विज़ होगा आपका क्विज़ वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी ऑनेस्टी दिखाते हैं वहाँ पे आपको पूरी ईमानदारी से क्विज़ में आंसर करना है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको बस अपनी ऑनेस्टी दिखानी है और दूसरा है रिविज़न पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज़ करिए ऐसा नहीं करना है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वो वाला काम नहीं करना है कि हम आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं और पीछे क्या पढ़ा है वो सब छोड़ते जा रहे हैं कुछ नहीं पता तो हर वीक में जितना पढ़ा है उसे आपको सैंडे को बाइंड अप करना है पूरा रिवाइज करना है जिससे जब आपका स्कूल से पढ़ाई शुरू हो स्कूल से जब आपकी वर्कशीट आए ना जब स्कूल से टीचर बोले लो बेटा वर्कशीट करके दो तो आप बोलो ये ये टॉपिक का तो मैं टेस्ट देने को तैयार हूँ वर्कशीट क्या आपकी ये वाला लेवल होना चाहिए कि जब बच्चे वर्कशीट से अपना पढ़ना स्टार्ट करें चैप्टर तब आप उसका टेस्ट देने के लिए तैयार हो कि मैं ये दो तीन बार रिवाइज कर चुका हूँ और मैं इसका टेस्ट भी दे सकता हूँ ठीक है तो मैं चाहती हूँ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए हमारे सारे पी के डी स्टूडेंट्स की तो ये था आपका शेड्यूल और आपकी क्या बुक्स रहने वाली हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ठीक है तो आप इस टाइम टेबल को टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जब जो आपको पढ़ाया जाएगा और हाँ और सेकंड थिंग है कि जो आपको कॉपी बनानी है मैंने कहा था जो आपको कॉपी बनानी है पीकेडी की उसमें आप लोग सिर्फ साइंस और मैथ्स करेंगे चाहिए तो सेपरेट कॉपी बना लो चाहो तो एक ही कॉपी बना लो उसके दो पार्टीशन कर लो साइंस और मैथ साइंस और मैथ्स के लिए आपको कॉपी में करना है बाकी हिंदी इंग्लिश सोशल स्टडी आपको कॉपी में नहीं करना उसे आप चैप्टर को पढ़ते रहिए साथ, साथ समझते रहिए ठीक है और जो इम्पॉर्टेंट होंगे उसका मैं आपको पी दे दूँगी क्योंकि ये सोशल स्टडी इंग्लिश हिंदी आप लोग को स्कूल से भी कॉपी में करवाएंगे तो वहाँ पर रिटर्न वर्क फालतू करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है पढ़ेंगे दिमाग में रखेंगे साइंस मैथ को आप कॉपी में नोट्स की तरह करते चलिए और बाकी सब्जेक्ट को करने की ज़रूरत नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तभी तो पता चलता है मुझे कि कौन कौन मेंबर बन गया है फॉलो भी कर लें खबरी पे बहुत छोटा सा ऐप है आपका डाटा नहीं जाता है बहुत ज़्यादा और आप इसमें रेडियो की तरह सुन सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं खबरी पे आप चाहें तो खुद भी चैनल बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही है क्योंकि वहाँ पे आप होमवर्क भेजते हैं और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलता है तो फटाफट से कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है